जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय जिनेन्द्र। सभी मित्रों का एक और बार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चर्चा करते हम आज क्या हो सकता है सिल्वर में। लास्ट वीक के अंदर काफ़ी धमाल कमाल जो है वो रैली जो है वो हमने देखी। फिर आखिरी फ्राइडे के दिन जो है वो एक अच्छा खासा करेक्शन भी जो है वो हमने देख लिया। तो अब आगे क्या हो सकता है यहाँ से, उसके बारे में जो है वो हम यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ से आगे। तो सिल्वर अभी चल रहा है दोस्तों कुछ 84,400 के आसपास। पहले जो है वो हम यहाँ पर उसके सपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं। बड़ा सपोर्ट जो है वो अभी नज़दीक के लिए क्या बन सकता है, उसके बारे में जो है वो हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो 83,925 ये एक बड़ा सपोर्ट है। लास्ट वीक में भी चर्चा करी थी कि 83,100 200 ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर चलता है तो रैली स्टार्ट हो सकती है। और लगभग लगभग 86,000 का एक बड़ा हर्डल जो है वो हमने देखा था, क्योंकि वहाँ पर एक बार जो है वो उसने करेक्ट किया था। तो यहाँ से ही जो है वो 86,000 का लेवल जो है वो लगभग लगभग आ चुका था, 85,800, और फिर वहाँ से करेक्शन हुआ है। अब मेन रेजिस्टेंस की चर्चा कर लेते दोस्तों, तो 83,925 का लेवल जो है वो हमारे लिए काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी अहम होगा। ये लेवल कटता है तो धीरे धीरे करके करेक्शन हो सकता है। तो सिल्वर ने अभी तो एक अच्छा ब्रेकआउट जैसा दिया है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेक ये करना है, देखना ये है कि क्या ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है, क्या ये ब्रेकआउट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, क्या सिल्वर जो है वो 86,000 का लेवल काट के अगर ऊपर जाता है तो कितना जा सकता है। तो अभी यहाँ पर दो रास्ते सिल्वर के पास हैं, ठीक है, कि यहाँ से ब्रेकआउट को कंटिन्यू करना है या फिर ब्रेकआउट को फेल करना है, उसके बारे में जो है वो हम आज रात को जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको एक मिनट लेके बता देता हूँ दोस्तों, आज रात को लाइव क्लासेस मतलब लाइव मार्केट से एक बड़ी चर्चा करेंगे हम कि क्या गोल्ड सिल्वर का ये जो ब्रेकआउट हुआ है क्या ये फेल हो सकता है, उसकी कितनी संभावना है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 13 तारीख आज हो गई है दोस्तों, 13 मई रात को 9:15 बजे के आसपास लाइव मार्केट से जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे गोल्ड सिल्वर, बाकी की कॉमोडिटी का भी जो है वो ओपिनियन लेने का प्रयास करेंगे। लाइव क्लास में आप कैसे जुड़ सकते हो उसका मैं रास्ता दिखा देता हूँ। नीचे आपको लिंक मिलेगा, वो लिंक ओपन करिए, आपको गूगल प्ले स्टोर पर ले जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप जो है वो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप जो है वो लाइव क्लासेस में एंट्री ले सकते हो। और लाइव क्लासेस दोस्तों हफ्ते में 2 बार होते हैं और पूरे 3 महीने तक जो है वो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। और उसका प्राइस भी आपको बता देता हूँ, ओनली 11,999 है फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये जानकारी आपको बता दी, तो डिटेल में आज रात को हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का दिन का जो वो कामकाज कैसे करता है, उसके बाद जो है वो उसकी उसके जो डिसीजन है वो हम लेने का प्रयास करेंगे। ऊपर की साइड में दोस्तों बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, तो 85,125 ये वाला एक सिग्नल होगा। यहाँ से अगर ऊपर चले तो शॉर्ट वाली चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके जो है वो ये ऑल टाइम हाई और वो काट के रुकता है, डे क्लोजिंग करता है, 2-3 दिन रुकता है, तो फिर वहाँ से एक नई जर्नी की शुरुआत हो सकती है। तो अभी एक रेंज में है 85,125 से 83,925, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेता हूँ गोल्ड के बारे में फटाफट, गोल्ड में क्या हो सकता है। तो गोल्ड चल रहा है 72,360 के आसपास, इसने भी जो है वो लास्ट वीक में एक 550 का एक लेवल जो है वो काट के अच्छी खासी रैली जो है वो देखने को मिली दोस्तों। तो वहाँ पर लाइव क्लासेस के ग्रुप के अंदर बहुत सारा इंडिकेशन जो मुझे मिलता है, अलर्ट मैसेज देने का वहाँ पर पूरा पूरा मैं प्रयास करता हूँ, ताकि जो है वो कोई गलत चीज़ के अंदर आप ना फंस जाओ, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर अलर्ट देने का जरूर प्रयास करता हूँ। बड़ा लेवल आपको बता देता हूँ दोस्तों, 71,400 पे हम ध्यान रखेंगे। 71,400 का लेवल काट के ये नीचे की लक्ष्मण रेखा है, सपोर्ट है, ये सपोर्ट काट के नीचे की तरफ रुकने की कोशिश करे, तब जो है वो हमें थोड़ा सावधान रहना है। जब तक ये लेवल के ऊपर है तब तक इसमें जो है वो मान सकते हैं कि ऊपर की संभावनाएं बनी रहेगी। ऊपर कहाँ पर जा सकता है, तो ऊपर में मैदान खुला है दोस्तों, उसकी मर्जी है। जब तक ये 71,400 काट के दिन का बंद नहीं आ जाता है, तब तक जो है वो हमें बड़ी वाली पोजिशनल शॉर्ट के अंदर सावधान रहना चाहिए। 100, 150, 200, 500 के लिए आप काम करते हो तो आपकी इच्छा है दोस्तों, उसमें जो है वो मैं आपके आड़े नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ अपना बड़ा व्यू देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। बाकी जो है वो आप जो है वो देख सकते हो। अब यहाँ पर
डॉलर टर्म के हिसाब से देख लेते हैं सिल्वर के अंदर, सिल्वर का जो सपोर्ट है दोस्तों वो कुछ रह सकता है 28 के आसपास, अभी लगभग लगभग वही सपोर्ट के आसपास जाकर रुका है, छोटा सपोर्ट है। 28 के बाद जो है वो दो तीन सपोर्ट और आते हैं वो बता देता हूँ, एक है 27.80 वो काट के रुकता है, तो 27.50 ये तीन नीचे के सपोर्ट हो सकते हैं। हमें एक रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान रखना है कि ये रेजिस्टेंस ऊपर काट के अगर रुक जाता है तो शॉर्ट वाली पोजीशनों से सावधान दूर रहना चाहिए, ये मानना है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक टाइम पास साइडवेज टू करेक्शन कर सकता है, हमें ये देखना है कि ये टाइम पास करता है या थोड़ा प्राइस भी तोड़ता है। ऊपर का लेवल है 28.35 के आसपास, तो ये लेवल के ऊपर जो है वो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है स्पेशली शॉर्ट के अंदर। और बताया वैसे दोस्तों आज रात को हम चर्चा करेंगे, डिटेल में देख लेते हैं कि क्या होता है, क्या संभावना है वहाँ पर। ये जो नीचे से हमने 86,000 का जो है वो जर्नी किया, वहाँ पर जो है वो हमने ये जर्नी की बात जो है वो लगभग लगभग 81,000 के आसपास, 82,000 के आसपास कर दी थी कि यहाँ से एक बार जो है वो 86,000 का लेवल जो है वो वहाँ पर रास्ता खुला हुआ है। तो आज रात में डिटेल में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डॉलर टर्म के ऊपर, गोल्ड के अंदर। तो डॉलर टर्म का जो गोल्ड है वो अभी 2355 के आसपास चल रहा है, सपोर्ट आपको पहले बता देता हूँ 2350 का एक बेहतरीन सपोर्ट है, वो सपोर्ट तोड़ के नीचे रुकने की कोशिश करे तो थोड़ा करेक्शन कर सकता है। लास्ट फ्राइडे को जब हम मिले थे उस टाइम पे 75 का लेवल जो है वो चर्चा किया था रेजिस्टेंस के तौर पर कि वो काट के रुकता है तो अच्छी जो है वो रैली बन सकती है, लेकिन वो तो गया और आया जैसा है, 2-3 घंटे रुकना जरूरी है दोस्तों वो लेवल के ऊपर, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि प्राइस आके चला गया, वो तो वॉलेटिलिटी होती है, और वो भी देखे तो 78 है, 75 और 78 राउंड फिगर पकड़ो तो लगभग वही आके हम जो है वो खड़े हैं। तो अभी वही लेवल हम पकड़ के चलते हैं, 80 का लेवल जो है वो ध्यान में रखते हैं। 80 के ऊपर जो है वो वापस से एक ब्रेकआउट हो सकता है, वो लेवल अगर काट के रुकता है सस्टेन करता है, दिन का बंद आना काफ़ी ज़रूरी है, तो वहाँ से एक अच्छी स्पीड पकड़ सकता है। 2350 काट के नीचे रुकता है तो फिर थोड़ा सा और करेक्शन हो सकता है, बड़ी तेजी अब 2380 के ऊपर हो सकती है, ऐसा अभी मुझे मूड माहौल देखकर चार्ट देखकर लग रहा है। बात कर लेता हूँ एनजी के बारे में, सीधी सीधी साफ साफ चर्चा जो है वो दोस्तों हम कर लेते हैं। तो एनजी के अंदर जो है वो 193 का लेवल जो है वो हमें ध्यान रखना है, 193 का लेवल काट के दिन का बंद आता है तभी कोई अच्छी रैली हो सकती है, वो लेवल अगर ऊपर जब तक नहीं काटता है तब तक थोड़ा सावधान रहना। नीचे का लेवल है 186 के आसपास, 186 के नीचे थोड़ा करेक्शन और खींच सकता है और बढ़ सकता है, तो यहाँ पर जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। यह बात हो गई एनजी की। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों क्रूड के बारे में। तो क्रूड के अंदर जो है वो एक साइडवेज का दायरा जो है वो हमने चर्चा किया था, लगभग वही दायरे के आसपास है, दायरा आपको वापस से बता देता हूँ, ये वीक में भी वही रहेगा, लगभग लगभग 6740 का लेवल जो है वो ऊपर की साइड में वो लेवल आता है, और नीचे की साइड में जो सपोर्ट आता है वो है 6480 के आसपास, 6480 का लेवल काट के रुकता है नीचे तो थोड़ा सा इसमें खतरा बढ़ सकता है, दिन का बंद आना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। दिन का बंद अगर ये लेवल के नीचे आता है तो 6400, 6400 के नीचे फिर बड़ी खाई जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ लेवल जो है वो हमें टेक्निकल जो मुझे लग रहा था दोस्तों वो आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। लाइव मार्केट की चर्चा के अंदर अगर आप जुड़ना चाहो तो आप जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो लिंक ओपन करके जुड़ सकते हो। कोई भी दोस्तों ना बाय का ना सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो के माध्यम से जो भी चर्चा हमने करी है वो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, मार्केट को सीखने समझने के लिए है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर और आज रात को लाइव मार्केट से। तब तक के लिए सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।